हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और मैं आप सभी का इस हरेश क्लास है यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट स्टोरी के प्रथम लेसन द गोल्ड वॉच नामक इस लेसन का हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसके दो पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो आप उन्हें वॉच कर लें, जिससे कि आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फिलहाल बिना समय को वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है, तो आज हम यहाँ से देखेंगे संकोच मतलब शंकु का, हार्ट मतलब हृदय, बीट मतलब धड़का या धड़कता है, अनकंट्रोलेबली यानी कि अनियंत्रित रूप से, फास्ट मतलब तेज, संकुच हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय अनियंत्रित तेज धड़का, थ्रो हिज हार्ट बीट्स, थ्रो मतलब के मध्य से, हिज हार्ट अपने हृदय की बीट्स मतलब धड़कनों के, थ्रो हिज हार्ट बीट्स अपने हृदय की धड़कनों के बीच से, ही कुड हियर वह सुन सकता था, द हार्श वॉइस यानी कड़क आवाज या तेज आवाज ऑफ टी शॉप ओनर कुचन्नी यानी कि चुन्नी, जो चुन्नी था चाय का मालिक, उसकी तेज आवाज को वह सुन सकता था। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं, थ्रो हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर चुन्नी, अपने हृदय की धड़कनों के बीच से वह जो चाय का मालिक चुन्नी था उसकी तीखी आवाज को वह सुन सकता था। आगे देखते हैं, अलीज मतलब अली की, हॉलो मतलब खोखली, लाफ्टर मतलब हंसी, अलीज हॉलो लाफ्टर और वह अली की खोखली हंसी को भी सुन सकता था। खोखली हंसी इसलिए फ्रेंड्स, वह बुड्ढा होगा यानी उसके दांत नहीं होंगे तो वह खूखू करके हंसता होगा। एंड और वल्गर, वल्गर मतलब भद्दे अर्थात गालियां, वर्ष मतलब शब्द, एंड और द इरेटिंग चिढ़ाने वाली टॉक मतलब बात ऑफ लोनप्पो यानी कि लोनप्पो की। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं, अलीज हॉलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्स एंड द इरेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो, वह अली की खोखली हंसी और भद्दे शब्दों को सुन सकता था और लोनोपो की चढ़ाने वाली बात को, हु जो कि यानी लोनोपो जो था, हु मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है लोनोपो के लिए यूज है, तो लोनोपो, तो हु वॉज यानी कि जो कि, वॉज मतलब था, इन चार्ज ऑफ द फंड यानी उस फंड का, जिससे लोन लिया था लोनोपो उस फंड का इंचार्ज था। ही फेल्ट, ही मतलब शंकु ने, फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट की दे मतलब वे, वर ऑल वे सभी सराउंडिंग घेर लेंगे हिम मतलब उसे यानी कि शंकु को, ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम कि वे सभी शंकु को घेर लेंगे, लाइक की तरह, रॉडी, रॉडी मतलब शरारती बॉस मतलब बच्चों की तरह या लड़कों की तरह, तो ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज, उसने महसूस किया यानी शंकु ने महसूस किया कि वे सभी शरारती बच्चों की तरह उसे चारों तरफ से घेर लेंगे, आर्म्ड और हाथ में होगी, विद स्टिक्स यानी छड़ियां और हाथ में उनके छड़ियां होंगी, गैदरिंग अराउंड और उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, ओर पास इकट्ठे हो जाएंगे, एक स्ट्रे, स्ट्रे मतलब होता है आवारा, डॉग मतलब कुत्ता। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं, ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज आर्म्ड विद स्टिक्स गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, शंकु ने महसूस किया कि वे सभी उसे शरारती लड़कों की तरह से चारों तरफ से घेर लेंगे और उनके हाथों में छड़ियां होंगी और एक आवारे कुत्ते की तरह वे उसे चारों तरफ से घेर लेंगे या उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और वह सोचता है, व्हाट अ हॉरिबल सीन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और कहता है कितना भयानक दृश्य होगा, व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना हॉरिबल यानी भयानक, सीन मतलब दृश्य, कितना भयानक दृश्य होगा, फाइंडिंग इट, फाइंडिंग मतलब पाते हुए, इट मतलब इससे, अनबियरेबल असहनीय, फाइंडिंग इट अनवियरेबल और इसे असहनीय पाते हुए, शंकु टर्न्ड, शंकु टर्न्ड मतलब घूम गया यानी कि लेट गया, ओवर ऑन हिज स्टमक, स्टमक मतलब पेट के बल, एंड और थॉट, सोचा,
Sanku turned over on his stomach and thought. Sanku अपने पेट के बल लेट गया और उसने सोचा, I have no alternative. मेरे पास नहीं है alternative, कोई भी विकल्प, but लेकिन to pick it, इस घड़ी को उठाना है, tomorrow मतलब कल. I have no alternative but to pick it up tomorrow. मेरे पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन इसे कल उठाना है. Will it not fetch? Will क्या? It मतलब इसके, not नहीं, fetch मतलब प्राप्त होंगे. क्या इसके प्राप्त नहीं होंगे? At least कम से कम 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपए. तो वह सोचता है, Will it not fetch at least 20 रुपीज? क्या इसके 20 रुपए भी कम से कम प्राप्त नहीं होंगे? क्या आप कह सकते हो, क्या इसके कम से कम 20 रुपए भी प्राप्त नहीं होंगे? Even प्राय 15 will do, 15 से भी काम चलेगा. आगे कहता है, अगर 20 नहीं 15 भी मिल गए तब भी काम चलेगा. 15 प्लस 15 और 8 एंड हाफ, और वह जोड़ता है कि 15 और 8.5, दैट इज 23 एंड अ हाफ रुपीज. दैट जो कि इज 23, 23 एंड और अ हाफ रुपीज, यानी कि वह 15 और 8.5 को जोड़कर कहता है कि यह फिर भी 23.5 रुपए होते हैं. इट विल फैच, जो यह प्राप्त होगा मोर देन 15, 15 से. वह कहता है कि इट विल फैच मोर देन 15, कि इससे या इसके कम से कम 15 से अधिक तो प्राप्त होंगे. ही वुड बी एबल, वह सक्षम होगा या योग्य होगा टू पे अदा करने का हिज डेब्ट, अपने कर्जे को. और वह कहता है, ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वह अपने कर्जे को चुकाने में समर्थ होगा या चुका पाएगा. एंड और लिव इन पीस, और शांति में जिएगा, यानी कि शांति का एक जीवन जिएगा. ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड लिव इन पीस, वह अपने कर्जों को चुकाने में सक्षम होगा और वह एक शांति का जीवन जिएगा. अ लाइफ, एक जीवन, फ्री मतलब स्वतंत्र होगी फ्रॉम डेब्ट्स, यानी कर्जे से. अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, और वह जीवन एक कर्जे से मुक्त होगा. विद अ फीलिंग, एक भावना के साथ, ऑफ रिलीफ, राहत की. ही ड्रिफ्टेड, वह डूब जाता है इनटू अ लाइट स्लीप, लाइट मतलब हल्की, स्लीप मतलब निंद्रा में. विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, राहत की भावना के साथ वह एक हल्की निंद्रा में डूब जाता है. इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हुआ. वॉट आर यू स्टिल असलीप, वॉट मतलब क्या, आर यू स्लीप आप, स्टिल मतलब अभी भी, असलीप मतलब सो रहे हो. वॉट आर यू स्टिल असलीप, क्या तुम अभी तक सोए हुए हो. संकुज वाइफ, शंकु की पत्नी ने सैड मतलब कहा, जेंटली धीरे से, शेकिंग हिलाते हुए, हिज सोल्जर्स उसके कंधों को, यानी कि शंकु के. संकुज वाइफ सैड जेंटली शेकिंग हिज सोल्जर्स, शंकु की पत्नी ने उसके कंधे को धीरे से हिलाते हुए कहा, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज हो गया है लॉन्ग आफ्टर सनराइज, यानी कि सूर्य को निकले काफी समय हो गया है. शंकु मतलब शंकु ने रेस्ड, उठाया हिज हेड, अपने सिर को, एट वंस मतलब तुरंत ही या शीघ्र. शंकु रेस्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने अपने सिर को तुरंत ही या शीघ्र उठाया. हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने पिकड अप, उठाया, द यंगर मतलब छोटे वाले, चाइल्ड मतलब बच्चे को. हिज वाइफ पिकड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने अपने छोटे वाले बच्चे को उठाया. हु मतलब जो कि, वॉज क्रॉलिंग यानी कि घुटनों के बल चल के आ रहा था या फिर रेंकर आ रहा था अप टू हर, उसकी ओर. हिज वाइफ पिकड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, शंकु की पत्नी ने अपने छोटे वाले बच्चे को उठा लिया जो कि उसकी ओर रेंगते हुए आ रहा था, यानी कि घुटनों के बल चलते हुए आ रहा था. एंड और आस्क्ड, कहा शंकु मतलब शंकु से, एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा या शंकु से कहा, डोंट यू हैव, क्या आपको, टू गो टू वर्क टूडे, क्या आपको आज कार्य के लिए नहीं जाना है. डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या आपको आज काम के लिए नहीं जाना है.
तो शंकु कहता है ओ यस, अरे हाँ, ही सैड, शंकु ने कहा एंड और गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर आ गया। गॉट आउट मतलब बाहर आ गया, ऑफ बेड मतलब बिस्तर से। शंकु कहता है ओ यस ही सैड एंड गॉट आउट ऑफ हिज बेड, अरे हाँ वह अपने बिस्तर से बाहर आ गया। ही स्टेप डाउन, ही मतलब वह स्टेप डाउन नीचे उतरा, इन टू द कोर्ट यार्ड आंगन में, इन अ हरी जल्दी में। फ्रेंड्स सिंटैक्स में भी ये रूल लागू होता है, हरी से पहले आर्टिकल ए को हटा देता है और आपको करेक्ट करने के लिए कहता है, तो हरी से पहले आर्टिकल ए आता है। ही स्टेप्ड डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, वह जल्दी जल्दी में आंगन में नीचे उतरता है, वॉचिंग देखते हुए द गोल्डन रेज, गोल्डन मतलब सुनहरी रेज मतलब किरण है, ऑफ द मॉर्निंग सन सुबह के सूर्य की, पीरसिंग जो चीरते आ रही थी, द लास लस मतलब हरा भरा, बम्बू मतलब बांस, फॉलिएज फॉलिएज मतलब होता है झुंड या झुरमुट, ऑन द ईस्टर्न पूर्वी छोर से साइड मतलब दिशा, एंड और ब्राइटिंग जो चमका रहा है, द ओल्ड पाल्म, ओल्ड मतलब पुराने, पाल्म मतलब ताड़ के वृक्ष के पत्ते, लीफ मतलब पच्चे, थैच मतलब छप्पर। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं, वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पीसरिंग द लस बम्बू फॉरेज ऑन द ईस्टर्न साइड, वह सूर्य की जो चमकती हुई किरणें हैं जो पूर्वी दिशा से आ रही हैं, जो हरे भरे बांस के झुरमुट को चीरते हुए आ रही हैं, उन्हें देखते हुए, और जो कि वह एक ताड़ के वृक्ष के पत्तों से बने हुए छप्पर पर पड़ रही हैं और उसे चमका रही हैं, उन्हें देखते हुए शंकु ही मतलब उसने वॉश मतलब धोए हिज फेस अपने चेहरे को, ही वॉश्ड हिज फेस उसने अपने चेहरे को धोया, एंड और हैंड्स हाथों को, एज यूजुअल idioms of phrase इसका मतलब होता है रोज की तरह या पिछले की तरह या पिछले, तो ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल उसने रोज की तरह अपने चेहरे और हाथों को धोया, पुट अप पहना हिज वर्किंग क्लॉथ्स अपने कार्य करने वाले कपड़ों को, पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स और अपने कार्य करने वाले कपड़ों को पहना, एंड और वॉज अबाउट टू लीव और जाने ही वाला था, फॉर हिज फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री के लिए, व्हेन हिज वाइफ सेड जब उसकी पत्नी ने कहा, पुट अप ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स अपने कार्य वाले कपड़ों को पहना, एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री और अपनी फैक्ट्री को जाने ही वाला था, When his wife said, जब उसकी पत्नी ने कहा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, लिसन सुनिए, यू मस्ट बाई आप खरीद लाना, सब मतलब कुछ ऑइंटमेंट मरहम या दवा फॉर द चाइल्ड बच्चे के लिए, लिसन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, सुनिए आप बच्चे के लिए कुछ दवा खरीदते लाना, सी मतलब उसने, थ्रू मतलब डाली, अ कमांडिंग आदेशात्मक लुक मतलब दृष्टि, एट हिम उसकी ओर यानी शंकु के, सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम शंकु की पत्नी ने शंकु की ओर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, शंकु फेल्ट शंकु ने महसूस किया, दैट की ईच ऑफ द सोर्स, ईच मतलब प्रत्येक ऑफ सोर्स मतलब फुंसी या फुड़िया, ऑन द चाइल्ड्स बच्चे की, फेस्टरिंग पकी हुई बॉडी मतलब शरीर पर, बॉज स्टेयरिंग घूर रही हो, एट हिम उसकी ओर, इन मतलब मैं, आ ग्रूसम भयानक वे मतलब तरीके से, शंकु फेल्ट शंकु ने महसूस किया, दैट ईच ऑफ सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वॉज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रूसम वे, शंकु ने महसूस किया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर पर पकी हुई खुड़ी फुंसी या फुड़िया उसकी ओर एक भयानक तरीके से घूर रही हो, आ मूवमेंट एक क्षण पास्ट बीत गया इन साइलेंस चुप्पी में, आ मूवमेंट पास्ट इन साइलेंस एक क्षण तो संगी में ही या चुप्पी में ही बीत गया, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट किस प्रकार का, व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब होता है किस प्रकार का, ऑइंटमेंट मतलब मरहम, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट किस प्रकार का मरहम, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।